टेम्पल है इनका, और यहीं पे ग्री बनाई हुई है। ग्री बेसिकली जो डाफिन प्लेस होता है इनका, उसको ग्री कहते हैं। ऊपर से दरख्त और साथ से आवाज़ इतनी जो अपनी वहशतनाक किस्म की आ रही है, हैबतनाक तो दरिया है। ये देखे ना यार, चाय बन रही है और ये बेहतरीन सी। बाइक ने तंग तो नहीं किया? नहीं, बाइक ने तंग तो नहीं किया, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 70 पे नहीं आना चाहिए। विटामिन डी ले लेते थोड़ा, एक्स्ट्रा हो जाएगा काम। और मेरे को विटामिन डी ले लो, वैसे ही नहीं लेते कराची में। अलैकुम तो जनाब, गुड मॉर्निंग हो गई है रामपुर में, और ये खड़ा है हमारा मोटरसाइकिल, और साथ मेरे हैं तीन और दोस्त जो रस्ते में मिले फैसलाबाद से आ रहे हैं बाइक्स पे। तो फिर हम इकट्ठे आए यहाँ पे। उनका इरादा था पहले बम्बई जाने का, लेकिन फिर मैं उन्हें खींच के ले आया इस तरफ रामपुर, जहाँ पे था कल फेस्टिवल और आज होगा बम्बई। पर ये सामने है जगह जो टेंपल है इनका, और यहीं पे ग्री बनाई है। ग्री बेसिकली जो डाफिन प्लेस होता है इनका, उसको ग्री कहते हैं। यहीं पे कल सुबह जो है ना, वो सारा कुछ हो रहा था, और मुनीर साहब वो भी जा गए हैं यहाँ पे होटल में, जो मैनेजमेंट है। मुनीर साहब कैंप लगा हुआ है अपना, यहाँ पे नाइट स्पेंड की है ये सेब के दरख्तों के नीचे। बहुत खूबसूरत से दरख्त और साथ से आवाज़ इतनी जो अपनी वहशतनाक किस्म की आ रही है, हैबतनाक तो दरिया है। मुनीर साहब ठीक हो आप? सब खैर खैरियत? सब ठीक ठाक? सब खैर। ये है कैलाश का दरिया आ रहा है। और आज के ब्लॉग में आज की जर्नी होगी रामपुर से बम्बरेत और बम्बरेत के बारे में, और फिर परसों का अभी तक क्लियर नहीं है कि क्योंकि फेस्टिवल होगा बरैर में, लेकिन बरैर में पहले हो आए हैं आते हुए रास्ते में, क्योंकि पहले वो आता है। तो अब आई एम नॉट 100% श्योर कि उधर जाया जाए या नहीं, वो बस कल पे डिपेंड करता है, बल्कि आज पे डिपेंड करता है कि क्या प्लान बनता है। ये देखे ना यार, चाय बन रही है और ये बेहतरीन सी चाय पत्ती अंदर डाल के। कल रात को हमने चाय बनाई थी टेंट के अंदर ही, और कैसी बनी थी चाय? चीनी कम थी लेकिन बहुत जबरदस्त। ये सियासी बयान होता है। ये आपने सुना है, चेहरा जो है ना वो बातों से मैच नहीं कर रहा। चाय हमने बड़ी ओके ओके पी थी बरल, लेकिन ये कि चलो गुजारा हो गया था। इस दफ़ा चाय यार इस दफ़ा बेहतर होनी चाहिए थी, ठीक है। कल मैंने बीच में अपना हाथ डाला था तो ख़राब हो गई थी, आज मैं दूर दूर से वीडियो बना रहा हूँ। चले जी देखते हैं आज ज़बरदस्ती चाय, और ये तो बहुत सारे फूल। ये है जी गेस्ट हाउस, और इसके पीछे है ये इनका मेन जो इबादत का जगह है वो है गेस्ट हाउस, जहाँ पे जिसकी कह लो कि पार्किंग में हमने कैंपिंग की है। तो वो है, ये है अपना शहजादा, और इसकी भी सेटिंग करनी है अब। चले जी, ये अब सारी चीज़ें यहाँ पे, हमारा कैंप था जो कि हमने उठा लिया, सारा कुछ पैक करके सब कुछ माउंट कर लिया है बाइक्स पे, और यहाँ से हम जाने लगे हैं। अब ये पता करते हैं अल्ताफ से भी कि कैसा रहा रामपुर का फेस्टिवल। बहुत अच्छा रहा जी, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और यहाँ की सफाई, यहाँ का माहौल जो है वो बहुत पसंद आया। सही है। और फैसलाबाद से सर आपकी राइड जो है वो कैसी रही? वो
बहुत अच्छी रही है। पहला एक्सपीरियंस था हमारा ये बाइक पे आने का, ये है कि मेरा ख्याल 70 भी नहीं आना चाहिए। बाकी रोड का थोड़ा मसला है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पहुँच सकते हैं आप। यानी जो आप सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं इस इवेंट के लिए लोगों को कि भी वो आके जी, और जो स्पेशल आते हैं ना लोग कैलाश में बम्बो रेड डायरेक्ट जाते हैं, उनको बम्बो रेड से पहले रिम्बोर भी आना चाहिए। यहाँ पे जो सुकून है ना वो हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन यही पता चला है कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे सुकून है। वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा पुरसकून होता है। और यहाँ के जो इनका इवेंट होता है उनके जो रस्में हैं वो थोड़ी डिफरेंट है वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और भी जवान कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा जी। बाइक ने तंग तो नहीं किया? नहीं, बाइक ने तंग तो नहीं किया, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 70 पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो रोड की कंडीशन है उस हिसाब से 70 सूट नहीं करती रोड को। अगर आप आना चाहते हैं तो, लेकिन आया जा सकता है ना? आया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि जो कोई यहाँ पर आते हैं उनको कोई और भी क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या कोई ऐसी कोई चीज़ आपके ज़हन में हो? सेफ्टी का सामान कंप्लीट होना चाहिए आपके साथ, और आपको बाइक के बारे में, बाइक की मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर रस्ते में कोई मसला बन जाता है तो आप खुद अपनी बाइक को ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आके जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा वो पंजाब से, और जो यहाँ का आयल का मसला है ना वो बहुत डिफरेंट है। पंजाब के आयल में और यहाँ के आयल में बड़ा फ़र्क है। हमें तो यही मसला सामने आया है कि जो पंजाब से आयल लेके आए थे उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ सिमर करे थे या दूध छिड़वाई छिड़वाया उसके लिए बड़ा नुकसान है। कार्बोरेटर का जो है ना ज़रा पेट शेट खराब हो गया है वो इससे। तो सर 70 की बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा मुश्किल हमें इसलिए भी है कि हम 170 पे दो बंदे हैं। हाँ। 170 पे एक ही बंदा आएगा ना तो मेरा ख्याल इजीली आ सकता है। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि जितना मैं इनको पीछे से फॉलो भी कर रहा था तो कंफर्टेबली जो है सिंगल बंदा, और ये हालांकि सिंगल बंदा नहीं है, ये भी पूरी वन मैन आर्मी है। आप इनके ज़रा लगेज चेक करें तो ये मैं कहता हूँ होना चाहिए पैशन टूवर्ड्स ट्रैवलिंग। तो इस तरीके से अगर आप ट्रैवल करेंगे ना तो फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। चलें, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है बमरेत के लिए, और वहां पे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मोर से वापसी का सफ़र था बमरेत की तरफ, और अभी हमने नाश्ता नहीं किया था। नाश्ते का यही प्लान था कि बमरेत में पहुँच के वहाँ पर कहीं देखेंगे कि कोई अच्छा नाश्ता वगैरह मिल जाए। वापसी के सफ़र में मैंने देखा है कि अमूमन टाइम कम लगता है, और बिकॉज यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर फेमिलियर विद द होल पैसेज, तो फिर वो आपको ज़रा ईजीली आप कवर करते हैं और कॉन्फिडेंटली। इस एरिया में आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के फल भी मिलते हैं, जिसमें खुबानी होती है, सेब होते हैं, अंगूर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टाइम था ये है चिलम जोशी का, जिसमें बेसिकली जो है बाहर की आमद का, तो अभी बहुत ज़्यादा फल वो मैसर नहीं थे। शहतूत अवेलेबल हैं, लेकिन शहतूत जो है ना वो मैंने खाए थे आते हुए, पर उसके अलावा कोई और ऐसा तैयार फल नहीं। सुबह का टाइम था तो अभी धूप उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ड्राइव का भी मज़ा आ रहा था, लेकिन ठंडक भी नहीं थी, थोड़ी गर्मी यानी कि आपको लगती है जब आप धूप में ज़्यादा ड्राइव कर रहे होते हो। बाकी एक के जो आपकी ट्रेन है ये चेंज होती रहती है, कभी सरसब्ज किस्म की फसलें आ जाती हैं, कभी चटियल पहाड़ आ जाते हैं, कभी ख़तरनाक किस्म के मोड़ आ जाते हैं, कभी चैनल आ जाते हैं पानी के, तो ये मज़ेदार सा एक सफ़र था। चलते चलते उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर बमरेत और रंबोर का रास्ता, वो ब्रिज जहां पर चेक पोस्ट भी है और अलग होता है।
यहाँ पे सन ब्लॉक लगा के और जिन बाबा बन के आगे हमने सफर को रिज्यूम किया, और अब यहाँ से जो रोड जा रही है बमरेत की तरफ, ये थोड़ी खुली है और रास्ता भी थोड़ा बेहतर है। मैक्सिमम जो टूरिस्ट होते हैं वो बमरेत में ही आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो कॉलोनी कह लें या वैली कैलाश कल्चर की, वो बमरेत ही है और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आबादी मिलती है। बाकी रस्तों की नस्बत यहाँ पर आपको कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ शायद ज़्यादा चलती हैं तो वो फिर रोड पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो फिर अगर आपके आगे कोई गाड़ियाँ लग जाएं और आप उनके पीछे हो तो समझ लो कि भाई मिट्टी कटे से आपका रंग चेंज होने वाला है। इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे दो या चार ऐसे ब्लाइंड किस्म के मोड़ आएंगे जिसमें आपने हॉर्न बजा के पहले से अगले आने वाले को बता देना है, क्योंकि ये मेरे साथ अभी भी हुआ जैसा वीडियो में भी आपने देखा। प्लस ये कि इसकी वजह से हादसे हो सकते हैं और वहाँ पर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, इसलिए एहतियात करनी पड़ेगी आपको। लोगों को पता है कि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना तो थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाइक को भी रेस्ट चाहिए, आपको भी रेस्ट चाहिए, थोड़ी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तो हर तरह से जो है ना वो चीज़ बेहतर रहती है। तो साया जहाँ पर आता है और थोड़ा सा मैं थका हूँ तो वहाँ पर फिर मैं रुक जाता हूँ। China to speed and I go, she know don't read, you already know, imagine my sugar and I'm pressing them more, my life been flashing, yeah, now I'll see him to the hair, remember the time. वालेकुम भाइयो, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है, खैर करिए? कहाँ से आ रही है तुम? कराची। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फैसलाबाद से जा रहे हैं। अच्छा, आप उन्हीं के साथ हैं? हाँ नहीं, मैं भी अकेला था, वो रस्ते वो भी फैसलाबाद के लड़के थे। हाँ वो फैसलाबाद की, मैं इस्लामाबाद से। अच्छा आप इस्लामाबाद से? हाँ। ओके ओके, गुड है गुड। तो बहरहाल यार बड़े ही जबरदस्त, आप तो काफी लंबे ही है, थोड़ा साय वाली जगह ढूंढ लिया करें। अरे बस अभी तो रोक दी थी हमने, रोक लो बस जैसे। हाँ, ये तो है। अभी सीधे इधर आ रहे हैं? अभी बस अभी, हाँ अभी तो यही है, यहाँ नहीं, अपने तो रुकते रुकाते आ रहे हैं। अच्छा नहीं, यानी कि अभी बमरेत में आए या कहीं और भी गए थे? रंबोर भी गए या? नहीं नहीं, हम लोग अभी नहीं वहाँ नहीं। अच्छा अभी नहीं गए, वो अब जाने का फायदा भी नहीं, कल था वहाँ पे। हाँ अब तो पता चला, आज जो है वो वहाँ पर है, आज यहाँ पे है जहाँ पे होटल वगैरह है। हाँ बमरेत में वो आखिरी है, और कल होगा बरेर में, वो फिर नीचे उतरेंगे। हाँ वो सारे वहाँ जमा होंगे। हाँ ये यहाँ से उसका रास्ता, खैर वो बगैर अयून से जाता है। हाँ नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ क्योंकि हमें अभी वहाँ भी जाना है, हमें गिलगित साइड भी जाना है। गिलगित साइड जाना है, इसके बाद हंजा गिलगित साइड, फिर वहाँ से उतरना शुरू करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, आप तीन ही है? अच्छा जबरदस्त यार, अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे। आपका भी, आपका भी जो है ना, बस ये है कि ये रोडें थोड़ी इधर की सख्त हैं। हाँ बाकी तो फिर भी अल्लाह का शुक्र था, बहुत सारा कोई चीज़ चाहिए? सवाल नहीं चाहिए, नहीं भाई ये बताएं कैमरा आपने कहाँ से लिया है? यार ये मैंने हाशमी फोटो से लिया, ये इस्लामाबाद से, कराची में। कराची वाला गोल्डन, वही हाशमी अंदर नहीं आता यार। हाशमी और ये बैग वली से मंगवाया हमने भी। ये वली मार्ट ऑनलाइन ही था, ये वली मार्ट लाहौर में बंद है, हमने भी वही लगाया है। लगाना है तो लगा। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, स्किन चल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, उसके बाद तंग करेगा। सर हो चुकी है, मैंने हाफ सेंस में चलाई पूरी बाइक। तो ये चला लगा, तो हमने कहा विटामिन डी ले लेते हैं, छोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा काम। हमने कहा विटामिन डी ले लो, वैसे ही नहीं लेते कराची में हम लोग। नहीं बहरहाल यहाँ पे ना कोशिश करे, ये साये बीच बीच में आते हैं ब्रेक लेने के लिए ना, साये में खड़े हो जाए, क्योंकि ये बहुत सबके पता बहुत पसंद आ गया, ये फिर बाद में तंग करती है। जय सर, मुलाकात रहती है वहाँ पे इंशाल्लाह। सैयद मुजफ्फर, हाँ
अच्छा सही, और कोई ब्लॉगिंग भी करते हो कि नहीं? बस सोचा इस बार से शुरू करो। करो यार, जब इतना सफर कर रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो फिर ये तो मजा है ना। नहीं, इस बार तो बना रहे हैं वाकई में, इसलिए मैं तैयारी के साथ आए, कैमरे वगैरह है। नहीं बनाओ बनाओ, जो है मेरा भी है छोटा सा चैनल बनाया हुआ मैंने मुसाफिर ब्लॉग्स के नाम से। ठीक है, ये है कि ये सारा ये ब्लॉगर्स ही हैं जो यार हमें इनकरेज करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। अभी वहाँ से एक आए हो तो उमर जो है ना, उसकी मैं फीड में उसने देख देखे ना कैलाश की, वो 3-4 दिन पहले से आया हुआ है। अच्छा, फिर मैंने कहा यार निकल बंदे यार। चले मुलाकात होती है। I hope कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये जर्नी रंबोर से लेके बमरे दैट कवर्स तीनों वैलीज का रास्ता जो है मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, तमाम तर ट्रेन, तमाम तर डिफिकल्टीज, तमाम तर लैंडस्केप, हर चीज आपसे शेयर की। अगर कोई फीडबैक हुआ करे तो शेयर किया करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।